और इसमें जो है चने की दाल डालेंगे। चने की दाल आपको जो है बॉईल करके रख लेना है, फिर आपने इसे डालना है, ठीक है। फिर आपने इसे डालना है, उसके बाद जो है आपने इसे थोड़ा सा चलाना है और थोड़ा देर के लिए ऐसे ही रखना है, ठीक है। थोड़ा देर के लिए ऐसे ही रखने के बाद आपको मैं बताती हूँ। नवी मुहर्रम है तो आप लोग के अभी ये सब चीज़ें बनती हैं या नहीं, और क्या क्या बनती है ये आप बताइएगा। आप लोगों के यहाँ क्या क्या बनती है, आपकी मम्मा क्या क्या बनाती हैं वो भी बताइए। आपको सही से मिक्स करना है। इसमें मम्मा ने जो है गोश्त भी ऐड कर दिया है, बीफ, तो बीफ मम्मा ने इसमें ऐड किया है, तो बीफ भी आपको थोड़ी देर के लिए इसमें चलाना है बीफ को। फिर उसके बाद जो बीफ को आपने एक मिनट तक के लिए तो हिलाते रहना है, चलाते रहना है। और मम्मा ने बीफ पहले से बॉइल कर लिया था, क्योंकि वो आपके लिए हेल्दी होता है, वो चर्बी को उसी में वो कर लेता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आपके फैट को बढ़ने नहीं देता। तो मम्मा ने यहाँ पर जो है चावल की तह लगाने जा रही हैं, और उसके बाद मम्मा यहाँ पे तेल लगाने जा रही है। मम्मा ने तेल लगा ही रही है और कितना प्यारा लग रहा है ये आप देखो, चावल का लुक कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इसका चावल का लुक। और उसके बाद जो है आपने अच्छे से मम्मा आप जो है निकाल लेती हैं चावल, पहले आप लोग भी पहले हाफ चावल निकाल लिया करो, या आपकी मम्मा जो है निकाल देती होंगी तो आप भी हाफ चावल निकाल दो। उसके बाद जो है हमारी मम्मा ने जो है चने का दाल डाल दिया था इसमें और सही से मिक्स कर दिया था, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। आप लोग अपना भरोसा रखा।